बड़ी खबर इस वक्त आ रही है 2007 में हुए अजमेर धमाके में। बड़ी खबर यह है कि असीमा नंद को बरी कर दिया गया है, जिसे आरोपी बनाया गया था। हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी करार दिया गया है, लेकिन असीमा नंद, जिनके इर्द गिर्द पूरा ये विवाद बढ़ रहा था आगे, उनको बरी कर दिया गया है। सीधे रुख करते हैं शरद का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, किस तरह की जानकारी? अंजना, देखिए, असीमा नंद की बरी होना बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि भगवा आतंकवाद पर जो कोर्ट है उसने मुहर लगा दी है। देवेंद्र गुप्ता, भवेश पटेल और सुनील जोशी, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, इन तीनों को कोर्ट ने दोषी माना है अजमेर बम ब्लास्ट का। तो अभी तक ये पहला कन्विक्शन है, पहला ऐसा केस है जिसमें भगवा आतंकवाद को लेकर बात की जा रही थी, उसमें दोषी करार दिए गए हैं। ये संघ के कार्यकर्ता है। अब ये इनके देवेंद्र गुप्ता के ऊपर आरोप था कि उन्होंने ही वो कार्ड खरीदा था, सिम कार्ड इसे ब्लास्ट की गई थी, और भवेश पटेल पर बम प्लांट करने का आरोप था सुनील जोशी पर। सुनील जोशी बम ब्लास्ट के 2 महीने बाद उनकी हत्या हो गई थी, वो एक अलग मामला चल रहा है। लेकिन भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को कोर्ट ने दोषी माना है सुनील जोशी के साथ साथ। बाकी के जो 13 लोग हैं, वो 13 लोगों में से रामचंद्र कलसांगरा, संदीप डांगे, ये अभी भी गायब है, ये पुलिस को नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो बाकी जो मदद करने वाले 7 लोग थे, उनको बरी कर दिया है। 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन अपने आप में देश के इतिहास में पहला ऐसा मामला है कि बम ब्लास्ट के मामले में, जो एक तरह से भगवा आतंकवाद की बात हमेशा विपक्ष उठाता रहा है, उसको लेकर मुहर लगी है कोर्ट के जरिए कि हाँ, इन्होंने बम ब्लास्ट किया था। ये अपने आप में जो जो आरएसएस के लोग कहते थे, जिससे कि देवेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह उसको एक आश्रम में ले गए, वहां पर दबाव डाल के सुशील शिंदे के दबाव के तहत उनका बयान दर्ज किए गए थे कि हाँ, मैंने ब्लास्ट करवाया था। कोर्ट ने वो देवेंद्र गुप्ता के जो रोल थे उसको सही माना है, और भवेश पटेल के भी रोल को सही माना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इनका जो दोषी करार दिया गया है, उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की थी। लेकिन साथ साथ एनआईए ने लिख के दिया है कोर्ट में कि जो इंद्रेश का नाम है चार्जशीट में, कि जयपुर के गुजरात भवन में साजिश की शुरुआत इंद्रेश ने की थी, उस मामले में इंद्रेश को क्लीन चिट दिया एनआईए ने। एनआईए ने लिख के दिया है कोर्ट को कि इंद्रेश की कोई भूमिका इसमें नहीं थी। तो चार्जशीट में जिस तरह से इंद्रेश का नाम था, आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनको एक पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। असीमा नंद को भी छोड़ दिया गया है, लेकिन भवेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, जो जिन पर सीधे सीधे बम प्लांट करने की वहां पर आरोप है, उसको कोर्ट ने सही माना है। ये तब हुआ है जबकि आपको बता दें कि 149 गवाह थे इसमें, 149 गवाहों में से सभी के सभी गवाह जो है पलट गए हैं। जो 13 मुख्य गवाह थे जिन पर कन्विक्शन होना था, वो 13 के 13 गवाह पलट गए हैं, जिनमें से एक गवाह तो झारखंड के मंत्री बन गए हैं, रणधीर सिंह, वो मुख्य गवाह थे जिन्होंने कहा था कि हाँ, हमारी जानकारी में है कि इस तरह से सिम कार्ड खरीदे गए और ब्लास्ट हुआ। वो फिलहाल झारखंड के मंत्री हैं, वो जयपुर के कोर्ट में आकर पलट गए। तो सभी गवाहों के पलट। शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त ही आरएसएस से जुड़े हुए ये तमाम कार्यकर्ता थे, भवेश, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी, इन सब को अजमेर धमाकों में 2007 के कोर्ट ने दोषी करार दिया है, सजा आगे सुनाई जाएगी। लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई बड़ी खबर यह भी कि असीमानंद और साथ ही इंद्रेश कुमार, जिन्हें साजिशकर्ता के रूप में देखा जा रहा था, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है।